टॉपिक है बैंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बैंडल थे वो जेनेटिक्स के फादर थे और उन्होंने पाइसम सेटाइवम पे एक्सपेरिमेंट किया जो पी प्लांट होता है उस पर एक्सपेरिमेंट किया तो पी प्लांट ही उन्होंने क्यों चूज़ किया क्योंकि ये एनअल प्लांट होता है और इजी टू कल्टीवेट होता है इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे इसका जो फ्लावर होता है वो बाई सेक्शुअल होता है जिसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों करवाए जा सकते हैं और इसमें लार्ज नंबर ऑफ़ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान सात कैरेक्टर्स लिए थे पहला है पी शेप जिसमें जो राउंड होता है वो डोमिनेंट होता, 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 होता है और रिंकल्ड रेसेसिव होता है नेक्स्ट पी कलर लिया था जिसमें येलो डोमिनेंट होता है ग्रीन रेसेसिव होता है नेक्स्ट बोर्ड शेप लिया था जिसमें डोमिनेंट इन्फ्लेटेड होता है और कॉन्स्ट्रिक्टेड रेसेसिव होता है नेक्स्ट पोर्ट कलर लिया था जिसमें ग्रीन डोमिनेंट होता है येलो रेसेसिव होता है फ्लावर का कलर लिया था पर्पल या वायलेट डोमिनेंट होता है और वाइट रेसेसिव होता है प्लांट की साइज़ ली थी जिसमें टॉल डोमिनेंट होता है डॉफ रेसेसिव होता है फ्लावर की पोजिशन ली थी जिसमें एक्श जो होता है वो डोमिनेंट होता है और टर्मिनल रेसेसिव होता है नेक्स्ट मेंडल के पॉस्टुलेट्स देखते हैं मेंडल ने तो पॉस्टुलेट दिए थे बट वो आगे चल के लॉ बन गए थे जिसमें तीन लॉ थे पहला अपन देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है जब प्योर पेरेंट्स हो प्योर पेरेंट्स का मतलब क्या होता है होमोजाइगस पेरेंट्स हो तो मेंडल ने अपन ने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया था जो पेरेंट्स थे उनको प्योर लिया था प्योर का मतलब सिंपल है होमोजाइगस तो इसमें इन्होंने एक डोमिनेंट होमोजाइगस लिया था और एक रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट लिया था और अपन यहाँ पे प्लांट की हाइट है उससे अपन समझते हैं डोमिनेंट होमोजाइगस यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी हो जाएगा टॉल और रेसेसिव होमोजाइगस यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी डोर और इन दोनों को क्रॉस करवाया तो एफ वन जनरेशन में इन्होंने सोचा कि मैं एक टॉल प्लांट ले रहा हूँ एक डॉफ़ ले रहा हूँ तो F1 वन में मेरे को इंटरमीडिएट प्लांट्स मिलेंगे बट ऐसा नहीं हुआ उन्होंने देखा कि F1 वन जनरेशन में उनको हैट्रोजाइगस डोमिनेंट प्लांट्स मिले जो प्लांट्स थे वो सब क्या थे टॉल थे बट वो क्या थे हेट्रोजाइगस थे तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला इससे कि F1 वन जब प्योर पेरेंट्स को क्रॉस करवाते हैं तो F1 वन जनरेशन में क्या होता है जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसमें जो डोमिनेंट एलील होते हैं वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं और रेसेसिव एलील को सेप्रेस कर देते हैं रेसेसिव एलील ख़ुद को खुद को डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो इसी को ही क्या बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं इसकी डेफिनेशन अपन एक बार देखते हैं इन अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर एनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्योर मतलब कि होमोजाइगस हो दोनों पेरेंट्स द कैरेक्टर विच अपेयर इन फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड वन विच इज अप्रेस इज कॉल्ड रेसेसिव और फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर अपेयर होते हैं उनको डोमिनट बोलते हैं डोमिनट करैक्टर और जिस करेक्टरस अप्रेस हो जाते हैं उनको रेसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं और ये जो लॉ ऑफ डोमिनंस है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है इसका एक एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनस जो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है सेपरेशन होता है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है जो एलिलिक पेयर होते हैं हाइब्रिड में जो हाइब्रिड यूनियन का फॉर्मेशन होता है एफ़ वन जनरेशन में एफ़ वन जनरेशन में अपन ने क्या देखा था ये यहाँ पे हाइब्रिड बन रहा है हाइब्रिड मतलब यहाँ पे हैट्रोजाइगस जो हेट्रोजाइगस टेल का टेल प्लांट का जो फॉर्मेशन हो रहा है एफ़ वन जनरेशन में उसको क्या बोलते हैं हाइब्रिड बोलते हैं तो इस हाइब्रिड में जो एलेलिक पेयर है जो एलील्स हैं इस हाइब्रिड में इस हाइब्रिड में क्या है एक तो कैपिटल टी है डोमिनेंट अलील है और एक क्या है स्मॉल टी रेसेसिव अलील है तो जो एफ वन जनरेशन में जो हाइब्रिड बनता है इस हाइब्रिड में जो एलील होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सेपरेट होते हैं उसी को ही क्या बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन एफ जनरेशन में हाइब्रिड बना इसमें जो ये अलील्स हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी डोमिनेंट और रेसेसिव अलील्स हैं ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सेपरेट होते हैं इससे क्या होंगे एक तो कैपिटल टी गैमेट बनेगा और एक स्मॉल टी गैमेट बनेगा तो ये जब गैमेट बन रहे हैं तो ये जो दोनों अलील्स हैं वो क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे इस हाइब्रिड में और इसको लॉ ऑफ़ प्योरिटी ऑफ़ गैमेट्स भी बोलते हैं इसका क्या मतलब हुआ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का कि ये जो हाइब्रिड है इस हाइब्रिड में जो डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट है जो रेसेसिव अल्स है रेसेसिव कैरेक्टर है वो क्या है साथ में तो प्रेजेंट है यहाँ पे डोमिनेंट और रेसेसिव क्या है साथ में तो प्रेजेंट है बट ये क्या है एक दूसरे को ये जो कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर है डोमिनेंट और रेसेसिव एक अलील में वो क्या है एक हाइब्रिड में एक साथ तो रहते हैं बट एक दूसरे के साथ ब्लैंड नहीं होते मतलब मिक्स नहीं होते एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। और एफ टू जनरेशन में जो डोमिनेंट अलील है वो क्या करता है डोमिनेंट ट्रेड दिखाता है और जो रेसेसिव अलील है वो रेसेसिव अलील दिखाता है अगर ये मिक्स होते एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते तो F2 टू जनरेशन में भी क्या होता जो डोमिनेंट होता वो सेप्रेस कर देता रेसेसिव को तो अपने पास F2 टू जनरेशन में भी सारे डोमिनेंट प्लांट्स बनने थे बट ऐसा नहीं होता F2 टू जनरेशन में अपने पास टॉम डोमिनेंट प्लांट भी डॉल्फ प्लांट भी बनते हैं और टॉल प्लांट भी बनते हैं इसका मतलब ये है कि जो अलील हाइब्रिड में जो अलील के जो दो कॉन्ट्रेस्टिंग करेक्टर होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं करते एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते और एफ टू जनरेशन में जो डोमिनेंट है वो खुद को एक्सप्रेस करता है और डोमिनेंट प्लांट का फॉर्मेशन करता है और जो रेसेसिव ट्रेट है जो वो क्या करेगा डॉफ प्लांट का फॉर्मेशन करेगा तो F2 टू जनरेशन में जो रेसेसिव ट्रेड का री अपियरेंस है वो इस लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूव करता है थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट इसमें जब डाई हाई ये अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं जब डाई हाइब्रिड क्रॉस में गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस टाइम जो अलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं एक दूसरे के साथ हाइब्रिड क्रॉस में एफ टू जनरेशन में अपने पास फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है नाइन इस टू थ्री इस टू थ्री इस टू वन होता है और अपन ने यहाँ पे देखा था यहाँ पे ये यह जो चार टाइप का अपने पास रेशो है उसमें से दो है वो क्या होते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन होते हैं पेरेंट्स अपन ने कैसे लिए थे डोमिनेंट डोमिनेंट थे होमोजाइगस डोमिनेंट डोमिनेंट को अपने रेसेसिव रेसेसिव के साथ क्रॉस करवाया था तो यहाँ पे अपने पास क्या मिल रहे हैं डोमिनेंट डोमिनेंट मिल रहे हैं एक और एक रेसेसिव रेसेसिव मिल रहा है मतलब यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के सेम है और यहाँ पे दो नए कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं पेरेंटल में डोमिनेंट डोमिनेंट और रेसेसिव रेसेसिव थे तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन में अपन को डोमिनेंट डोमिनेंट मिल रहे हैं दो में रेसेसिव रेसेसिव मिल रहे हैं और दो में अपने पास क्या मिल रहे हैं डोमिनेंट और रेसेसिव मिल रहे हैं मतलब अपने पास दो जो कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन से अलग हैं दो नए कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं तो एफ़ टू जनरेशन में ये दो नए कॉम्बिनेशन मिलना ही यही प्रूव करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट अभी अपन ने देखा था क्या होता है जो अलील्स होते हैं एफ डाई हाइब्रिड में गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जो अलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं अपना जो ओरिजिनल पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है उससे भी इंडिपेंडेंट तो यहाँ पे अपन देखते हैं पेरेंट्स में क्या था डोमिनेंट डोमिनेंट और रेसेसिव रेसेसिव अलील्स थे बट यहाँ पर अपन देख रहे हैं यहाँ पर जो फिनोटाइपिक रेशियो में जो फिनोटाइप आया वहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट रेसेसिव के साथ भी जा रहा है और ये जो रेसेसिव है वो डोमिनेंट के भी साथ डोमिनेंट ये जो रेसेसिव अलील है वो डोमिनेंट अलील के भी साथ जा रहा है ये डोमिनेंट अलील है वो रेसेसिव अलील के भी साथ जा रहा है मतलब यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे वो उसकी खुद की मर्ज़ी है वो इंडिपेंडेंटली जो अलील हो रहा है वो दूसरे अलील के साथ एसॉल्ट कर रहा है मतलब उसके साथ कंबाइन हो रहा है उस पर कोई मतलब ये बाउंडेशन नहीं है कि पेरेंट्स में ये डोमिनेंट अलील डोमिनेंट अलील के साथ था रेसेसिव अलील रेसेसिव अलील के साथ था तो यहाँ पे उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो डोमिनेंट अलील है वो डोमिनेंट अलील के साथ ही जाएगा जो रेसेसि अलील है वो रेसेसिव अलील के साथ ही जाएगा यहाँ पर जो अलील है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं इसकी वजह से अपने पास यहाँ पर दो नए फिनोटाइप देखने को मिले जो डोमिनेंट है वो रेसेसिव के साथ भी जा रहा है जो रेसेसि है वो डोमिनेंट के साथ भी जा रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन है लिंकेज लिंकेज के टाइम अपन को इंडिपेंडेंट असॉर्ट देखने को नहीं मिलेगा